दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि खराब मोबाइल का डेड मोबाइल का फोटो आप कैसे रिकवरी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने न्यू मोबाइल में। दोस्तों इस पे मैंने 2-3 वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, जिसमें आप लोग काफ़ी कमेंट भी किए हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज मैं फिर से लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा खराब मोबाइल का डेड मोबाइल का आप फोटो कैसे रिकवरी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने नया फ़ोन में। सिर्फ 1 मिनट के अंदर में आप निकाल सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया हो, टूट गया हो, खराब हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं उसका पिक्चर्स उसका वीडियो रिकवरी करना तो आप रिकवरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको बता दें अगर थोड़ा भी वीडियो आप स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग से निवेदन है, अनुरोध है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा और तभी आप लोग खराब मोबाइल का डेड मोबाइल का फोटो वीडियो निकाल सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका सुमित सेन, आपका अपना चैनल सुमित सेन टेक में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। आपको बता दें सबसे पहले कि अगर आप भी चाहते हैं खराब मोबाइल का डेड मोबाइल का फोटो रिकवरी करना, वीडियो रिकवरी करना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हम बता दें क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि जो आपका मोबाइल ख़राब हो गया है, जो आपका मोबाइल डेड हो गया है, या चोरी हो गया है, या टूट गया है, कुछ भी अगर हो गया है, अगर आप चाहते हैं उसका फोटो वीडियो रिकवरी करना, तो सबसे पहले आपको बता दें आपके पास क्या होना चाहिए। उस मोबाइल में जो जीमेल आईडी आप यूज कर रहे थे वो जीमेल आईडी याद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जीमेल आईडी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जीमेल आईडी में आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था, ऐड किया था, वो मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपको चालू भी होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए, तभी आप रिकवरी कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। कितना भी आप ट्रिक लगा लीजिए, कोई भी दिमाग लगा लीजिए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास जीमेल आईडी है या जीमेल आईडी में जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया था, रजिस्टर्ड किया था, वो मोबाइल नंबर चालू है तो आप रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास जीमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है तो उससे आप रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें आपको करना क्या है, जैसे कि खराब मोबाइल, डेड मोबाइल का, टूटा हुआ मोबाइल का जो जीमेल आईडी था उसको आपको क्या करना है, न्यू फ़ोन में आपको वो जीमेल आईडी ऐड करना है। लेकिन कहाँ ऐड करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने न्यू फ़ोन के जो गूगल फोटोज है उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप जैसे उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, उस एप्लीकेशन को आप जैसे ओपन करते हैं वहाँ पे आप कोने पे देखिएगा एक सिंबल दिख रहा होगा वो जीमेल आईडी का, उस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे वो सिंबल पे क्लिक करते हैं वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आता है, लेकिन आपको सिंपली से कुछ नहीं करना है, वहाँ पे क्लिक एक बार और करना है और वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड अकाउंट का, ऐड अदर अकाउंट का, वहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड अदर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है और जो खराब मोबाइल का डेड मोबाइल का जीमेल आईडी है उसको वहाँ पे फिल करना है। अगर मान लीजिए आपको जीमेल आईडी याद नहीं है तो क्या करना है, जीमेल आईडी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जीमेल आईडी में जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, ऐड किया था, वो मोबाइल नंबर वहाँ पे फिल कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक शो कर लेगा, उस मोबाइल नंबर से जो जीमेल आईडी बना होगा वो ऑटोमेटिक शो कर लेगा, लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे आप ये प्रोसेस करके आगे बढ़ते हैं फिर आता है पासवर्ड का। तो दोस्तों आपको हम बता दें अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पासवर्ड याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको सिंपली से करना क्या है, फॉरगेट पे क्लिक करना है। आप पासवर्ड फॉरगेट करना तो आप लोग जानते ही होंगे कि पासवर्ड फॉरगेट कैसे किया जाता है, सिंपली से फॉरगेट पे आप क्लिक कीजिएगा तो वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पे एक ओटीपी जाएगा, एक मैसेज आएगा, उस कोड को वहाँ पे फिल करके न्यू पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे आप न्यू पासवर्ड जनरेट करके बना लेते हैं फिर आप जैसे आगे प्रोसेस करते हैं फिर वो क्या करता है, बोलता है एग्री करने के लिए, वो जीमेल आईडी ऐड करने के लिए बोलता है। तो सिंपली सबको क्या करना है, वो जीमेल आईडी को वहाँ पे एग्री करना है, ऐड करना है। जैसे आप उस जीमेल आईडी को ऐड कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, उस गूगल फोटोज में आपको देखना है कि मेरा कौन सा जीमेल आईडी चल रहा है, कौन सा जीमेल आईडी मेरा फर्स्ट में है। तो अगर आपका खराब मोबाइल का फर्स्ट में नहीं है तो आपको क्या करना है, खराब मोबाइल डेड मोबाइल का जो जीमेल आईडी है उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट में करना है। तो जैसे आप उस जीमेल आईडी को फर्स्ट में कर लेते हैं फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे एक बार रिफ्रेश आपको करना है।
जैसे आप रिफ्रेश करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो यकीन मानिए आपका जितना भी खराब मोबाइल का डेड मोबाइल का फ़ोटो था वो सारा का सारा वापस आ जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा और आप खराब मोबाइल डेड मोबाइल का फ़ोटो निकाल सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। आप इस ट्रिक के माध्यम से कितना भी पुराना का पुराना फ़ोटो है, वीडियोज है, कुछ भी है, आप रिकवरी कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके पास न जीमेल आईडी है, न जीमेल आईडी में जो मोबाइल नंबर ऐड है वो है, तो आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं। कितना भी आप ट्रिक यूज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, कितना भी वीडियो आप देख लीजिए, नहीं रिकवरी कर पाइएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ट्रिक वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू ट्रिक के साथ।